ये देखिए पूरा चिल्ड बर्फ का पूरा टेपा है, ऐसा नज़ारा आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। देख रहे हैं कितना मोला। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल इंडिया नंबर वन टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच बर्फ़ के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हमारा यूजर आईडी नेम है bulletkumar68। तो चलिए फैंस वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए फैंस, आज जो है सबसे पहला वीडियो आज हमारे चैनल पे आया हुआ है। पहली बार ये वीडियो आया हुआ है जो बर्फ़ लोड करते हुए आप सभी के बीच दिखाया हूँ लोडर के बॉकेट में। ये देख रहे हैं बर्फ़ लेकर के आया गया है, ये जो है बॉकेट में पूरा लोड करके उसके बाद प्लांट में डाला जा रहा है। देख रहे हैं वो बॉकेट पूरा फुल हो गया, पांच बॉकेट एक बॉकेट में पकड़ रहा है। देख रहे हैं कैसे बर्फ़ दिख रहा है आप सभी को, पूरा गाड़ी में जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है। पूरा एक पिकअप जो है बर्फ़ आया हुआ है, एक पिकअप से नहीं होगा और भी आएगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फिर देखिए कैसा बर्फ़ दिख रहा है, देख रहे हैं बर्फ़ का टुकड़ा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा गर्मी का मौसम है यहाँ पे, इतना मस्त लग रहा है बर्फ़ के पास में। यहाँ पे खड़े हैं हम तो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना पूरा एसी में खड़े हैं, इसके जो है पास में ही खड़े होने से इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है। ये देख रहे हैं इसी के द्वारा बर्फ़ जो है उतारा जा रहा है। ये देख रहे हैं कैसे बनाया गया है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है बर्फ़ उतारने का, थोड़ा भी स्लिप नहीं करता है इसे उतारने में। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दिखाते हैं आप सभी को कैसे इससे बर्फ़ उतारा जा रहा है। देख रहे हैं बर्फ़ का पूरा पीस आया हुआ है, लमसम एक पिकअप बर्फ़ का पूरा आया हुआ है गाड़ी पे। देख रहे हैं छोटा सा टायर रखा गया है, उसी पे गिरा गिरा करके देखिए इसको जो है ला करके इधर बॉकेट में फोड़ा जा रहा है। देख रहे हैं बॉकेट में फोड़ा जा रहा है कैसे, छेनी से और हथौड़ी से, छेनी और हथौड़ी से फोड़ा जा रहा है। बहुत ही दिक्कत हो रहा है छेनी हथौड़ी से फोड़ने में, फूटी नहीं रहा है। इसका जो है अच्छा टेक्निक कुछ होना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग फोड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उससे। देख रहे हैं कितना मारना पड़ रहा है। इधर देखिए और जो है उतारा जा रहा है, उसको पूरा खाली कर दिए, इसको देखिए उतारा जा रहा है। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगा ये बर्फ़ उतार करके क्या किया जा रहा है बेचिंग प्लांट में। बेचिंग प्लांट पर जो है बर्फ़ का ये काम किया जा रहा है। देखिए देख रहे हैं कैसे इसको उतारा जा रहा है, देखिए कैसे उतारा जा रहा है, देख रहे हैं कैसे इसे उतारा जा रहा है। देख रहे हैं इतना अच्छा टेक्निक है कि इससे बर्फ़ स्लिप ही नहीं कर रहा है, इतना बढ़िया पकड़ में कर रहा है कि क्या बताया जाए। देखिए उसमें कोई धार वार नहीं है, थोड़ा सा नोकी है, उसी के द्वारा ही जो है पकड़ रहे हैं। देख रहे हैं कैसे उसको पकड़ रहे हैं, बहुत ही मस्त टेक्निक है। देखिए कैसे उसको उतार रहे हैं, एक लास्ट बचा हुआ है, फिर और एक गाड़ी आएगा बर्फ़ इधर जो है एक जा रहे हैं, फिर लेकर के आएंगे इसको। देखिए जो है पूरा खाली हो गया, चलिए अब ले चलते हैं वहाँ पे, फिर से इसको फोड़ा जाएगा, दिखाते हैं आप सभी के बीच। देखिए ये जो है बर्फ़ वाले भाई हैं, इनके पास में सुआ टाइप का है, इसी से देखिए कैसे फोड़ रहे हैं। सच में आदमी बोलता है ना, जिसको जो काम करने का आइडिया रहता है उसको जो है उसके बारे में हर हथियार उसके पास में रहता है। हम लोगों को पूरा छेनी हथौड़ी से मार मार के फोड़ रहे थे, फूटी नहीं रहा था। देख रहे हैं सुआ की तरह चार पांच बार मार दे रहे हैं तो टुकड़ा हो जा रहा है, पूरा तीन चार टुकड़ा में बंट जा रहा है। देख रहे हैं कैसे वो टुकड़ा हो गया, सिर्फ ऊपर से मार दिया तो टुकड़ा में पूरा बंट गया। देखिए साइड से मार रहे हैं, साइड से मार करके इसको भी पूरा लग रहा है दो टुकड़ा कर देंगे। देखिए इसको भी दो टुकड़ा कर दिए। देखिए अब इधर जो है छोटा वाला को ला रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हम लोग हथौड़ी से छेनी से मार मार के पूरा थक जा रहा था लेकिन नहीं फूट रहा था जल्दी बर्फ़ ही। आप लोग ऐसा वीडियो आप लोग कभी यूट्यूब पे देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप लोग हमें एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देख रहे हैं ये बर्फ़ का जो है कलर पूरा चेंज है, हम लोग सोच रहा था कचरा पानी का बर्फ़ है लेकिन वो बर्फ़ वाले भाई बता रहे हैं कि जे नहीं ये कचरे पानी का नहीं है, नमक वाला पानी जो है आ गया था वही पानी जो है मशीन में डाला गया था इसलिए थोड़ा काला हो गया है। देख रहे हैं नमक वाला पानी है जो, ये देखिए प्लांट में जो है ठंडा करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए डाला जा रहा है। देख रहे हैं इधर पानी के टंकी में डाला जा रहा है, देख रहे हैं पानी का टंकी में जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, जो है पानी ठंडा करने वाला मशीन जो है ख़राब हो गया है, इसके वजह से बर्फ़ डाला जा रहा है क्योंकि
टेम्परेचर हाई ना हो, हाई होगा तो पीको से फटने का डर रहता है, इसीलिए जो है बर्फ़ डाला जा रहा है पानी का टंकी में। ये देख रहे हैं कैसे हथौड़ी से फोड़ रहे हैं, हथौड़ी से फोड़ने में जो है बहुत तकलीफ हो रहा है, इसीलिए जो है वो सुआ है, सुआ से मस्त फूट रहा है। वो जो है अभी गाड़ी लाने गए हुए हैं, अब फिर लेकर के आएंगे, उसके बाद में जो है वो सुआ से फोड़ा जाएगा। हम लोगों से वो सुआ से जो है फूट भी नहीं रहा है, वो कैसे मार रहे हैं वही समझ रहे हैं, कैसे वो मार करके फोड़ रहे हैं उसको। देखिए कैसे उसको जो है छेनी हथौड़ी से मारा जा रहा है, छेनी पकड़ने पे हाथ में चोट भी लग रहा है, देख रहे हैं इसको फोड़ा जा रहा है छेनी हथौड़ी से। देख रहे हैं कितना ज़्यादा उड़ रहा है, इतना ज़्यादा उड़ रहा है हथौड़ी मारने पे, क्या बताया जाए। आप लोग ये वीडियो देख करके कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। आप लोग देख रहे हैं उसको कैसे फोड़ा जा रहा है, बड़ा पीस रह रहा है तो हाथ से ले जाने में पूरा हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो जा रहा है, हाथ लग रहा है कांपने लग रहा है हाथ। ये देखिए दूसरा गाड़ी लेकर के आ गए वो, और जो है पूरा गाड़ी को जो है पानी के इधर टंकी है, इधर पानी के टंकी में पूरा बर्फ़ गिरा दे रहे हैं, यही पानी जो है उधर भी टंकी में जाता है मोटर द्वारे, ये स्टॉक पानी है इसी में डाल दे रहे हैं, पूरा पानी ठंडा हो जाएगा। देख रहे हैं इधर कैसे वो जो है बनाए हुए हैं टेक्निक को, उसी से जो है अपने हथियार से कैसे गिरा रहे हैं वो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया लगाए हुए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।